Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. My name is Usama and I am a photographer. So guys, आज मैं आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ. तो पिछली वीडियो मैंने आपको लोगो बनाना सिखाया था कि लोगो कैसे बनाते हैं, यानी कि मैंने आपको लोगो, थोड़े से लोगो थे वो मैंने आपको गिफ्ट किए थे. तो आज मैं आपको उन लोगों को गोल्ड बनाना सिखाऊंगा कि आप इन लोगों को गोल्ड कैसे बना सकते हो. तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि इन्हें गोल्ड कैसे करते हैं. तो इस तरीके से ओपन हो चुका है. तो इसे करने के बाद ये देखिए, ये वाइट है. तो आपने इधर से खाली ले बना लेनी है ऐसे, और इधर से जाके आपने कलर जो ब्लैक पिक कर लेना, और इधर से आपने इसको जो है ना लेयर को अपने फुल ब्लैक कर देना अपने इसको, यानी कि आपने फुल ब्लैक कर लेना इसकी पेस्टी वगैरह करके वो जो खाली लेयर होगी. तो ये वाला हमारा लोगो है, इसको हमने ऊपर ले आना ऐसे. तो इस तरीके से हमने ऊपर लाने के बाद इस वाली लेयर के ऊपर साइड पर डबल क्लिक करना है ऐसे. सो गाइज, आपको बताता चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. और वीडियो के नीचे मेरी इंस्टाग्राम का लिंक, और मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर जरूर फॉलो कीजिए, और फेसबुक पे भी मुझे जरूर ज्वाइन कीजिए. तो इधर से जाके आपने इधर से ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक करना है ऐसे. तो इस तरीके से ये वाली मैंने सेटिंग पहले की है. तो इधर से आपने इसको नॉर्मल कर देना इधर से. तो इसकी जो पेस्टी, इधर से आपने इसको 100 पे रहने देना. इधर से जाके आपने इसको, ये आपके बिल्कुल वाइट शो हो रहा होगा, ठीक है ना. तो आपने इसको इधर से क्लिक करके इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है. तो इसको आपने इधर ये लिख लेना है 6EAD, ठीक है. इसे लिखने के बाद आपने इसे कर देना ओके. उसके बाद आपने इधर क्लिक करना है इस साइड पे. क्लिक करने के बाद आपने इसकी लोकेशन जो है वो 100 ही रहने देनी है. इसके ऊपर कलर के ऊपर क्लिक करके आपने ये C1AC51 कर लिख देना ओके. इसे करने के बाद आपने इसे कर देना ओके. इधर से फिर हमने इसे कर देना ओके. तो ये वाला हमारा प्रोसीजर हो चुका है. इसे करने के बाद आपने इसके ऊपर ये जो आप ऐसे होगा, तो आपने इसको ऐसे चेक कर देना, ठीक है. इधर से आपने, आपके लीनियर होगा तो आपने इधर से ऐसे रिफ्लेक्टेड कर देना है इधर, ठीक है. इसका ये जो स्केल है वो आपने 90 कर देना. इधर से आपने एंगल जो है 15 कर देना है, ठीक हो गया. इसके बाद आपने बिलेवल और एम्बोस में जाके इसके ऊपर क्लिक कर देना ऐसे. ऐसे क्लिक करने के बाद आपने इसकी जो स्टाइल है वो इनर लेवल रख लेना है. टेक्निक जो इधर ऐसा क्लीन है, दरमियान वाली चैसल हार्ड. उसके बाद इसकी जो डेप्थ है उसको आपने 170 करना. इसके बाद ये जो डायरेक्शन है अप कर लेनी है. उसके बाद ये जो इसका साइज है वो आपने कर लेना 45, और जो सॉफ्ट है ना वो 0 रहने देनी है. उसके बाद इधर से आपने अपने ऊपर वाले एंगल को भी 30 कर लेना, नीचे वाले एंगल को भी 30. उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करके ये जो नीचे से थर्ड है इसको आपने क्लिक कर देना ऐसे, ओके हो गया. इसके बाद आपने इसको ऐसे चेक कर देना, ठीक है. उसके बाद इधर से आपने लाइटर कलर कर देना, और इधर से आपने कर देना इसको 75, और नीचे वाला मल्टीप्लाई कर देना, इसको भी आपने 75 कर देना, ठीक हो गया. तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया. तो इसके बाद ड्रॉप शैडो पे जाना ऐसे. ड्रॉप शैडो के जाने के बाद आपने इसे कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है. इधर से आपने इसकी पेस्टी 90 कर देनी. उसके बाद इधर से 30, इधर से 30, फिर 3, ठीक है. फिर इधर से आपने इसे कर देना ओके. तो ये देखो कितने अच्छे तरीके से हमारा जो गोल्ड लोगो है वो तैयार हो चुका है, ठीक है ना. ऐसे था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे था ये वाइट. तो अब ये वो कितने अच्छे तरीके से, कितनी जल्दी ये गोल्ड हो चुका है. तो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना. सो गाइस, आज की मेरी वीडियो यही तक थी. अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़.